क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। सबसे पहली बात, नंबर होता क्या है? तो नंबर का डेफिनेशन है, नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। नंबर वह मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज किसी चीज़ को काउंट करने में, मेजर करने में और लेवल करने में यूज किया जाता है। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सारे नेचुरल नंबर कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग के सारे नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं। काउंटिंग हम लोग वन से शुरू करते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होता है। वन, टू, थ्री, फोर से लेके इन्फानाइट तक नेचुरल नंबर्स होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नॉन एज होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं अगर उसके ग्रुप में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर जीरो से शुरू होता है, जीरो से लेके इन्फानाइट तक चला जाता है होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्लू। होल नंबर को कैपिटल डब्लू से डिनोट किया जाता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है। ठीक है, उसके बाद दो पॉइंट और। सबसे पहला, इच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं। इच नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, सब के सब होल नंबर्स हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। इच होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीरो एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसी कारण से सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। इच होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब इंटीजर्स बोलते क्या है, किसको हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सारा का सारा जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, सबके कलेक्शन को ही इंटीजर्स बोला जाता है। नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स के कलेक्शन को इंटीजर्स बोला जाता है। इसको कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, -4, -3, -2 कुछ भी दे सकते हैं। बस वो नेचुरल नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए या किसी भी नेचुरल नंबर का नेगेटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होता है इंटीजर। ठीक है, उसके बाद इच नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इच होल नंबर इज एन इंटीजर। होल नंबर भी सारे के सारे इंटीजर ही हैं। जीरो भी एक इंटीजर होता है, बाकी नेचुरल नंबर तो इंटीजर होता ही है, इसीलिए सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर्स ही हैं। उसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 9th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। पी भी इंटीजर होने चाहिए, क्यू भी इंटीजर होने चाहिए। उसके अलावा एक कंडीशन और है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो डिनोमिनेटर में रहता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में
किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो मैथमेटिक्स में वो चीज़ अनडिफाइंड होता है, मैथमेटिक्स में वो चीज़ अनडिफाइंड होता है, इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं रह सकता। वैसा नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वैसे सारे नंबर को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर को इंग्लिश के क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल ढेर सारा दिया जा सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए बस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, 3/5, 2/9, -3/5, 4/3, ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ अगर हम -3/5 की बात करें तो यहाँ -3 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर होता है, क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। जीरो एक रेशनल नंबर होता है, जीरो को आप 0/something लिख सकते हैं, जीरो को 0/something लिखा जा सकता है। जीरो को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जीरो ही आएगा, तो जीरो को 0/something लिखा जा सकता है। मान लीजिए जीरो को आप 0/1 भी लिख सकते हैं, जीरो को 0/2 कुछ भी लिखा जा सकता है। जहाँ देखिए पी भी इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, बस डिनोमिनेटर मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है। तो यहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो नहीं है, इसीलिए जीरो एक रेशनल नंबर होता है। आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए हम 5 को ही लेते हैं, तो 5 को 5/1 तो लिखा ही जा सकता है, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो नहीं है, तो कोई भी नेचुरल नंबर है उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, यहाँ सॉरी यहाँ रेशनल होगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, मान लिया जाए हम 5 ले लिए, 5 एक इंटीजर है, इसको 5/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। इसे एक और इंटीजर हम ले लेते हैं निगेटिव वाला, कोई भी माइनस वाला, मान लिया जाए -3 ही है मेरे पास, -3 को -3/1 तो लिखा ही जा सकता है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसीलिए सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। द नंबर्स विच कांट बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म, वैसे नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। कंडीशन वही है, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। किसी नंबर को अगर आप पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, √2, √3, √5, √11, √13, ये सब जो है परफेक्ट स्क्वायर किसी चीज़ का नहीं है। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल हैं √2, √3, √5, √11, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कई बार। उसके बाद 0.01, 0.11, 0.111, इस प्रकार का जो नंबर होता है सारा का सारा इरेशनल नंबर होता है। अब हम आपसे पूछें क्या √4 इरेशनल नंबर है, तो √4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 का वैल्यू आप 2 लिख सकते हैं जो कि एक रेशनल नंबर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंडर हो वो सारा का सारा रेशनल नंबर होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट के अंडर लिखा हुआ हो तो वो रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता वो। उसके बाद पाई की बात करते हैं। सबसे पहली बात, पाई का डेफिनेशन क्या होता है, पाई का डेफिनेशन होता क्या है।
पाई इक्वल्स टू सी बाय डी बोला जाता है, पाई इक्वल्स टू सी बाय डी होता है। अब ये सी क्या है और ये डी क्या है वो जानना है। तो मान लिया जाए एक सर्कल हम बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं तो ये जो है ये सर्कमफेरेंस का लेंथ हो गया, ये सर्कमफेरेंस का लेंथ है और ये डायमीटर है। सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को ही, सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को ही पाई बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पाई पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद रखेंगे पाई इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। अब पाई का वैल्यू तो पढ़े हैं, कभी ना कभी तो पढ़े ही हैं, पाई का वैल्यू 22/7 आप लोग याद कर चुके हैं। तो ये 22/7 जो है, 22/7 जो है, ये रेशनल है या इरेशनल है, पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये 22/7 एक रेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। तो पाई का जो वैल्यू अभी तक आप याद किए हैं, पाई इक्वल्स टू 22/7 ये नहीं होता है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। तो पाई का वैल्यू होता क्या है, पाई का वैल्यू होता है यहाँ हम लिख रहे हैं 3.14159265, इस तरह से चलते रहता है। पाई का वैल्यू अभी तक में कंप्यूटर से दशमलव के बाद 1.24, 1.24 ट्रिलियन, 1.24 ट्रिलियन डिजिट्स तक पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया जा चुका है अभी तक। तो पाई का वैल्यू हम 22/7 ले क्यों लेते हैं, तो पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 के ही आसपास होता है। और जब आप 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो भी लगभग 3.14 के ही आसपास आता है। इसीलिए कैलकुलेशन में सुविधा हो उसी कारण से पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। कभी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है। उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जितना टाइप का नंबर पढ़े सारा का सारा रियल नंबर्स ही है। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, अ नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर वैसा है जो बस सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड हो रहा है, कौन कौन, एक तो वन से और एक इट सेल्फ, वो जो भी नंबर है वो स्वयं से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर का औकात नहीं है कि उसको एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लिया जाए हम 19 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 19 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है जरा सोचिएगा। 19 एक तो वन से डिवाइड होगा, वन से तो सारा नंबर डिवाइड होता ही है, उसके अलावा 19 खुद 19 से ही डिवाइड होगा। वन और 19 के अलावा कोई तीसरा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि 19 को डिवाइड कर दे। तो 19 क्या है, 19 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहते ही उसको है जो एग्जैक्टली वन और इटसेल्फ मतलब स्वयं और वन से ही डिवाइड हो, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर उसको डिवाइड करने का, एग्जैक्टली डिवाइड करने का औकात नहीं रखता। ओनली टू एज, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया 2, 3, 5, 7, ठीक है, बहुत सारा प्राइम नंबर्स होता है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ओनली टू इज एन इवन प्राइम नंबर। एक बात और जान लीजिए, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है। 2 के अलावा कोई भी आपको इवन प्राइम नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इकलौता 12
टू ही वैसा इवन नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। उसके बाद है अगला को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? उसको हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं है बोलते हैं। इंग्लिश में इसका दो नाम और है, उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर या म्यूचुअली प्राइम नंबर भी बोला जाता है। तो को प्राइम नंबर्स कहते किसको हैं? वैसे दो इंटीजर जिसका कि एच सी एफ वन हो। टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम। दो इंटीजर ए और बी को प्राइम कहे जाएंगे इफ देयर एच सी एफ इज वन, यदि उसका एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो। यदि दो इंटीजर्स का एच सी एफ वन हो तो वो को प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। एग्जाम्पल 2, 3 है, 7, 9 है, 11, 13 है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं। 2 और 3 का जब आप एच सी एफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 7 और 9 का भी एच सी एफ निकाल के देख सकते हैं, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। मतलब वैसा दो नंबर जिसका एच सी एफ 1 आए वो को प्राइम नंबर कहलाता है। उसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, जो कि आपको 9th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 9th क्लास में इमेजिनरी नंबर्स का कोई चर्चा नहीं है। सबसे पहले आपको इमेजिनरी नंबर्स मिलेगा 11th क्लास में। 11th क्लास में इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते किसको हैं? अ नंबर डेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। कोई नंबर जो सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं, अगर रूट के अंडर कुछ भी निगेटिव लिखा हुआ है, रूट के अंडर अगर माइनस वाला कोई चीज लिखा हुआ है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर में रूट अंडर माइनस वन को आयोटा बोला जाता है। अगर रूट के अंडर माइनस वन लिखा हुआ हो तो उसको आयोटा बोला जाता है। आयोटा को आई से डिनोट करते हैं और इसको आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन। आयोटा गुने आयोटा कितना होगा? माइनस वन। अगर हम इसी का दोनों साइड स्क्वायर कर दें, माइनस वन इक्वल टू आयोटा होता है। अगर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, जो कि कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर है रूट के ऊपर, तो ये रूट खत्म हो जाएगा और बनेगा क्या? वन बनेगा। आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है। उसके बाद अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में अगर कोई नंबर आपको दिखे तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जहां ए भी रियल होना चाहिए और बी भी रियल होना चाहिए। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जो भी नंबर है सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहे जाते हैं। इसको हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जनरली जेड से ही डिनोट किया जाता है। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां ये वाला पार्ट रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जेड इक्वल टू 2+5 आयोटा, जेड इक्वल टू 3+2 आयोटा, ढेर सारा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अगर ये दोनों चीजें हैं इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपको समझ नहीं आया तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, वापस से 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसके बारे में एक चैप्टर ही अलग से दिया गया है वहाँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को हिंदी में तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखते कैसे हैं ये सीख लेना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखते कैसे हैं? मान लिया जाए आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, कुछ भी, मान लिया जाए आपको 1/2 ही दिया गया है, तो बोल दिया जाए आपको 1/2 का 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। तो कैसे बताएंगे? 1/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लिया जाए 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? 2/2 कट जा कट के 1/2 ही बनेगा। तो इसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? 2/4 भी लिख सकते हैं। अगर हम 1/2 को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 3/6 लिखा जाता है। 1/2 को ही अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको 4/8 लिख सकते हैं। तो 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, ये जो सब के सब नंबर्स हैं
वो क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ही हैं। ये सारे नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद सबसे आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण बात, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। किसी भी दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दे के उसके बीच का जितना मन उतना रेशनल नंबर आपसे पूछा जा सकता है और आप उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा, मान लिया 3/5 और 4/5 ही दे दिया गया, ठीक है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है वो हम लोग अगले पार्ट, मतलब वीडियो के अगले पार्ट में सीखेंगे, इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 1.1 में ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है भी जिसमें दो रेशनल नंबर दे के उसके बीच में कुछ रेशनल नंबर पूछा जाता है। तो इसको करने का तरीका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर, दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर निकालने के लिए तीन मेथड अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।